नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमलेश देवांगन और स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूं, यदि आपके मुर्गा या मुर्गी को पैरालिसिस हो जाता है यानी कि लकवा हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो पर। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, ज़्यादातर मुर्गियों में जो है विटामिन की डिफिशियंसी के कारण लकवा होता है, मतलब मुर्गी के शरीर में विटामिन, मिनरल्स, खनिज, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण मुर्गियों और मुर्गियों को जो है पैरालिसिस होने के कारण होता है। वैसे और कुछ रीज़न होते हैं, जैसे मुर्गियाँ जो है अनहाइजीन फूड खा लेती है या पॉइजनिंग फूड खा लेती है, तो इस स्थिति में भी मुर्गियों को जो है पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। पर मुख्य रूप से विटामिन की कमी की वजह से ही मुर्गियों में पैरालिसिस के केसेस होते हैं। तो दोस्तों, मुर्गियों में जो है मुख्य रूप से तीन जगहों पर पैरालिसिस के केसेस देखा जाता है, एक गर्दन पर, दूसरी पंख पर और तीसरा पैर पर। इन्हीं तीन जगहों पर मुर्गियों को जो है ज़्यादातर लकवा होता है। गर्दन पर पैरालिसिस होने के कारण मुर्गियों के गर्दन मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, जिससे मुर्गियों को दाना पानी खाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इस स्थिति में आपको जो है हाथ से दाना पानी खिलाना है और उसका ट्रीटमेंट करना है, और 7 दिन के अंदर में आपकी मुर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ट्रीटमेंट करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ने वाले हैं कुछ मेडिसिन, जिसका मैं बताने वाला हूँ। जैसे पहला हमें जो है इलेक्ट्रॉल पाउडर की ज़रूरत पड़ने वाली है, दूसरा कोई भी लिवर टॉनिक, लिवर टॉनिक में आप प्रोटोनिया या ली-52 ले सकते हैं, कोई भी एक, और तीसरा हमें बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट की ज़रूरत पड़ती है। बी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर न्यूरोबियन फोर्ट टेबलेट जो है हमें आसानी से मिल जाती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा विटामिन ई की कैप्सूल, विटामिन ई की कैप्सूल में आप एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा चीज़ जो है हमें मेथिलकोबालामिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन पांचों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये जो होता है मुर्गियों को प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट करने का तरीका होता है। इस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं तो 5 से 7 दिन में आपकी मुर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि मुर्गी आदमियों में भी पैरालिसिस के केसेस होते हैं, तो बहुत सारे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार मुर्गियों को भी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपके पास कुछ कुछ मेडिसिन तो होगी ही, कुछ मेडिसिन ही आपको लेनी पड़ेगी। तो अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पहला चीज़ दोस्तों, जब मुर्गियों को पैरालिसिस हो जाता है तब से हम मुर्गियों को जब भी पीने के पानी देते हैं या हाथ से पिलाते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉल पाउडर के साथ पिलाना है। इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है इसमें ORS होता है, यदि मुर्गी की डाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है तो उसमें कंट्रोल करता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है तो एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी काम करता है, तो मुर्गी को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जब जब हम मुर्गियों को पीने के पानी देंगे तो इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल करके देना है, या मुर्गी खुद से दाना पानी नहीं खा पा रही है या पी पा रही है तो जब जब हम उसको पानी पिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल करके पिलाएंगे। और दूसरा चीज़, लिवर टॉनिक का यूज हम उस सिचुएशन में करेंगे जब मुर्गी की डाइजेशन सही से नहीं हो पा रही है। ज़्यादातर मुर्गियों में जब पैरालिसिस के केसेस होते हैं तो उसका डाइजेशन सही से काम नहीं करता है, मुर्गी जैसा दाना खाती है वैसे ही पीट के माध्यम से निकाल देती है। तो जब देखते हैं कि मुर्गी की डाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो अब हमें लिवर टॉनिक का इस्तेमाल करना है। लिवर टॉनिक का इस्तेमाल हमें जो है सुबह शाम लगातार 7 दिनों तक करना है। इसकी डोज़ की बात करें तो यदि आपकी मुर्गी 1 किलो के कम है तो आपको जो है 0.5 ml सुबह शाम 7 दिनों तक देना है। यदि आपकी मुर्गी जो है 1 किलो के ऊपर है तो 1 ml सुबह शाम 7 दिनों तक देना है। और दोस्तों, बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट के। तो यदि आपकी मुर्गी जो है 1 किलो के कम है तो आधी टेबलेट सुबह आधी टेबलेट शाम लगातार 7 दिनों तक देना है। और आपकी मुर्गियाँ जो है 1 किलो के ऊपर है तो 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम देना है लगातार 7 दिनों तक। और विटामिन ई की कैप्सूल की डोज़ की बात करें तो यदि आपकी मुर्गी जो है 1 किलो के कम है तो 1 टेबलेट सिर्फ रात में देनी है। यदि 1 किलो के ऊपर है तो 1 कैप्सूल जो है सुबह 1 कैप्सूल शाम को देना है लगातार 7 दिनों तक। तो इस प्रकार से हमें मेडिसिन की डोज देना है। उसके पश्चात जो हमारे पास इंजेक्शन है उसका इस्तेमाल हमें करना है। यदि आपकी मुर्गी जो है 1 किलो के कम है तो 0.5 ml, यदि 1 किलो के ऊपर है तो 1 ml। हम मुर्गी को जांग में या तो सीने में देते हैं, जैसे आज देते हैं तो कल हमें गैप करना है, उसके 1 दिन पश्चात फिर देना है, अल्टरनेट देना है, 1 दिन देते हैं 1 दिन गैप करते हैं, 1 दिन फिर देते हैं 1 दिन गैप करते हैं। हमें जो है टोटल 3 बार इंजेक्शन लगाना है।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप मैनेजमेंट करते हैं, इस प्रकार से आप अपनी मुर्गियों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो गारंटी के साथ 5 दिन से 7 दिन के अंदर में आपकी मुर्गी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी।